हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अचार तो आपने बहुत तरीके के बनाए होंगे और खाए भी होंगे। बेसिकली हमें अचार ऐसा बनाना होता है जो सालों साल तक खराब ना हो। आज मैं आपके साथ गुजरात की सबसे फेमस लसूड़े की अचार की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। अचार बनाने के लिए मैंने 2.5 kg यानी कि 2.5 kg लसूड़े लिए हैं। इसे अच्छे से धो करके साफ कर लिए हैं। देखिए, हमारे लसूड़े में कोई भी दाग या धब्बे नहीं है। आपको ना लसूड़े का अचार बनाते समय ध्यान रखना है कि आपके लसूड़े में कोई भी दाग या धब्बे ना हो। और इसे मैंने डंठल के सहित ही यूज करेंगे, तो इसे अच्छे से धो लिया है मैंने 3 से 4 बार पानी से। तो चलिए अब अचार बनाते हैं। एक बड़े से बर्तन में मैंने खूब सारा पानी डाला है गर्म होने के लिए, और 1 से 1.5 बड़े चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और पानी देखिए हल्का सा गर्म हो गया, तो अब हम इसमें अपने लसूड़ों को डंठल के सहित ही डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे 5 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर हम उबालेंगे। इससे ज़्यादा देर के लिए हमें अपने लसूड़ों को उबालना नहीं है, बस 5 मिनट के लिए ढक करके उबालेंगे। 5 मिनट हो गया है, लसूड़े का कलर भी चेंज हो गया है, तो अब हम इसे निकाल करके एक बड़ी सी छन्नी में रख लेंगे, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए। 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप लसूड़े को उबालेंगे ना, तो फिर ये गले गले से लगेंगे खाने में। लसूड़े में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। 10 मिनट के बाद हम इसे एक कॉटन के कपड़े में रख देंगे सूखने के लिए पंखे के नीचे। हमें इसे धूप में नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे ही 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे सुखाएंगे। 3 घंटे के बाद हम अपने लसूड़ों का डंठल इस तरह से हटा देंगे। फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो कैप्सी बनी होती है ना, उसे हमें हटाना होता है। अगर आप इसे पहले ही हटा करके उबालेंगे ना, तो फिर लसूड़ों के अंदर पानी चला जाएगा और फिर अचार खराब हो जाएगा। सारे लसूड़ों का कैप निकाल करके हमने एक बर्तन में रख लिया है। तो चलिए अब इसके लिए एक फ्लेवरफुल मसाला बनाते हैं। अचार को बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो इसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक बर्तन रखा, और इसमें 2 छोटी चम्मच सौंफ, 1 से 1.5 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच कलौंजी डालेंगे। और इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ज़्यादा देर के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है। मसालों का कलर भी हमें चेंज नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसे मसालों में जो भी मॉइस्चर होगा ना वो चली जाएगी, और अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मसाले भून गए, तो अब हम इसे निकाल करके किसी बर्तन में रख लेंगे। चलिए अब जो मसाला हम भूनेंगे उसे हम पीस करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच धनिया लिया है, और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे हमारे अचार की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, और मसालों से ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। धनिया भुन गया, तो हम इसे निकाल करके साइड में रखेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें 50 ग्राम सौंफ डालेंगे, और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही भुनेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमें मसालों को लो फ्लेम पर ही भुनना है। इससे बहुत ही अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू आती है। 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डालेंगे, और इसे भी मिक्स कर देंगे। और 50 ग्राम के करीब हम इसमें सरसों डालेंगे, और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लिए हमने मसालों को, और इस बड़े से बर्तन में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मसालों को हमने हल्का दरदरा पीसा है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया है। फ्रेंड्स, हल्का दरदरा पीसने से ना अचार में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो चलिए अब अचार का मसाला बनाते हैं। खड़े मसाले वाले बर्तन में ही हम अपना पिसा हुआ मसाला भी डाल देंगे। और देखिए, मसाला हमेशा आपको दरदरा ही रखना है। अगर आप फाइन पाउडर बना लेंगे ना, तो अचार में फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तीखे के लिए मैं इसमें 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे कलर भी अच्छा आएगा, लेकिन तीखा आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिए। 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे। मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच नमक डाल रही हूँ। अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो अचार खराब नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना डालिएगा कि अचार खाने में अच्छी ही ना लगे। 2 छोटी चम्मच हींग डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है, जरूर डालिएगा अचार में। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी 2 कप के करीब। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मसाले में मिक्स करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर मार्केट वाला तेल का यूज किया, तो इसे हमें गर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही रिफाइन होती है। लेकिन आप अगर घर के तेल का यूज करें ना, तो उसे गर्म जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें पानी के थोड़े से अंश होते हैं, तो अचार खराब हो जाएगी। आप अगर सरसों तेल नहीं पसंद करते हैं, तो आप जो भी तेल पसंद करते हैं ना, उसमें अचार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अचार का मसाला बनकर के तैयार हो गया। कलर और टेक्सचर देखिए कितना अमेजिंग आया है ना।
अब हम इसमें अपने लहसुनों को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। इसके बाद आप इसे किसी भी बॉटल में कांच की बढ़नी में भर करके रख दें 3 से 4 दिन के लिए धूप में दिखाएं। किसी भी बॉटल में भरने से पहले आप उसे धूप में जरूर रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। धूप में अच्छे से गर्म करने के बाद ही आप इस अचार को बढ़नी में भरें। मेरी वो वीडियो करप्ट हो गई तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ कि मैंने इसे बॉटल में कैसे भर के रखा है। तो आप इसे किसी भी बॉटल में भर के रखिए 3 से 4 दिन के लिए धूप में। इसके बाद ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल खाने के लिए। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ऑल को भी क्लिक कर दीजिएगा। Thank you for watching.